हरतालिका तीज भारतीय धार्मिक परंपराओं में एक जरूरी त्योहार है। ये भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन 16 श्रृंगार कर भगवान शंकर और माता पार्वती के निमित्त व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है? हरतालिका तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, इसके लिए लोकल 18 ने अयोध्या के ज्योतिषी पंडित कल्की राम से खास बातचीत की। उनके अनुसार सनातन धर्म में सुहागन महिलाएं शादी के बाद 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार से पति की दीर्घायु की कामना की जाती है और ये सुहाग की निशानी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भी इस व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाया था। सोलह श्रृंगार में इत्र, पायल, बिछिया, अंगूठी, गजरा, कान की बाली या झुमके, शादी का जोड़ा, मेहंदी, मांग टीका, काजल, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बाजूबंद, कमरबंद, सिंदूर और बिंदी शामिल होते हैं। इन सभी श्रृंगारों से न केवल महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है बल्कि वो अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो चुकी है। इसका समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:30 पर होगा। ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 8:33 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना विधि विधान से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हरतालिका तीज और 16 श्रृंगार के महत्व के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।